सर आज कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने जो है आज धरना प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म की गई है उसके खिलाफ भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप मांग करें पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एसपी सिंह। सर आज आप लोग क्या डिमांड रख रहे हैं? आज आप लोग मैन के यहाँ पर मौजूद हैं तो आप भी इनमें समर्थन देने आए? हाँ, हम इनके समर्थन में आए हैं। मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी एक ईमानदार और क्रांतिकारी नेता है, इसलिए उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। और जो ये आजकल सत्ता में जो बैठी है सरकार, आज जो सत्ता में बैठी है सरकार, ये हमेशा परसेप्शन बनाती है। सारे विपक्षी नेताओं के घर छापा मरवा के ये बोलती है कि मैं जो है देश से करप्शन दूर कर रहा हूँ, लेकिन खुद करप्शन कर रहे हैं। जिस हिडनबर्ग की न्यूज आने के बाद अडानी का शेयर 10 लाख करोड़ एक दो दिन में गिर गया और वो सहा हो गया, तबाह हो गया, और उस पर कोई आंच तक नहीं आई, कोई सरकार ने उस पर एक शब्द नहीं लिया। अडानी के बचाने के चक्कर में सब लग गए। और यही हर्षद मेहता हर कांड हुआ था, उस समय जेसीपी बैठाई गई थी और वो जेल गया था और उसको सजा भी हुई थी। सर अभी आपने ट्विटर पर भी देखा होगा ललित मोदी जो जिन्होंने से कहे तो भगोड़ा भी गया था कि लोगों ने भी बोला था कि वो छोड़ के चले गए, इतने करोड़ रुपए का गमन कर गए आईपीएल का, तो उन्होंने कहा है कि मैं भी शिकायत करूंगा, कोर्ट जाऊंगा, जहां पर वो है वहां के कोर्ट जाऊंगा राहुल गांधी के खिलाफ जो है। हाँ, ये जो चोर लोग हैं उनकी बात जरूर सुनी जाएगी, जो सही आदमी है देश को बचाने वाला उसकी नहीं सुनी जाएगी। जो देश को लूटने वाले हैं वो आके हिंदुस्तान में तो एक बार आके बोले, अपना दिखाए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो क्यों भाग कर गया वहाँ? कहते हैं मैं हिंदुस्तान को मतलब गिरने नहीं दूंगा, खराब नहीं होने दूंगा। खराब नहीं होगा, आ जा, आके फेस करो यहाँ के न्यायालय, जो न्याय मिलता है उसे लो, आना चाहिए ना। अब अगर राहुल गांधी ने ये बोल दिया कि ललित मोदी, नीरव मोदी और ये सारे मोदी ही क्यों, घोटाला करने वाले सारे मोदी ही क्यों है, तो इनको बुरा लग गया, कोर्ट में कर दिए, तो इस तरह की जो उन्होंने बोला एक व्यक्तिगत विशेष को बोला गया है, नहीं व्यक्त विशेष को नहीं वो बोले हैं, उनके बोलने का सारी बाइक हर जगह आ रही है कि जितने घोटाला करने वाले क्यों मोदी ही है, तो ये मोदी ही क्यों है, ये बात बोले थे। चलो इसके लिए, इस तरह की बात बोलने के लिए 2 साल की सजा किसी को नहीं होती। ये मोदी जी बिल्कुल डरे हुए हैं राहुल जी से अडानी वाले प्रकरण से, क्योंकि वो अडानी वाले प्रकरण उठने नहीं देना चाहते। तो अब आप मांग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को तो राहुल गांधी का सपोर्ट करना है कि भाई एक ईमानदार और क्रांतिकारी नेता है, यह देश को बचाना है। वो जो भी कहें वो तो कहेंगे, उनका परसेप्शन बनाना है। सारे विपक्ष के नेताओं को चोर बना दिए और ये बोल रहे हैं कि मैं तो जो है ये जितने करप्शन वाले हैं उनको मिटा रहा हूँ, लेकिन करप्शन खुद कर रहे हैं जिसने इतना बड़ा करप्शन किया है। आज हाँ, आज हिडनबर्ग से जो मैसेज आया है, दिया है न्यूज, तो जितनी कंपनियों को बोला था कि ये गलत कंपनियां हैं, फ्रॉड कंपनियां हैं, उनके द्वारा पैसा आया है, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर ये निष्पक्ष होते तो उसकी जांच कराते, लेकिन ये तो कोई जांच करा नहीं रहे। सीबीआई संज्ञान में लिया तो आप गए कि हम बंद लिफाफा में दे रहे हैं। यही हो रहा है आज तो तमाम हमारे गलत, अगर हमारे भी होंगे सारे उनके करप्ट है। बेंगलोर में पकड़ा गया था 8 करोड़, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं किए, कहीं हुआ गिरफ्तार, लेकिन यहाँ के लोगों के घरों में तलाश रहे हैं, इनके
हिमंत वो आसाम का मुख्यमंत्री है, वो एक टेक्निक जानते हैं बोलने का, जिससे लोग भरभीत हो जाते हैं, लेकिन कार्ड की हानि बार बार नहीं चढ़ती है। अब इनकी पोल धीरे धीरे खुल रही है कि हाँ ये कितने बड़े करप्टेड है। आज जो ये देश जो है बर्बाद हो रहा है, इतना कर्ज में डूब गया, जब इस देश का कर्ज मनमोहन सिंह गए थे तो 40 लाख करोड़ था पूरे 70 साल में, और ये 156 लाख करोड़ का कर्ज देश पे ला दिए। आज हमारे जीडीपी का 20% ब्याज में जा रहा है, वहां ये पहुंचा दिए हैं। आगे क्या स्थिति होगी देश की वो वक्त ही बताएगा। तो बस यही कहना चाहता हूं कि देश के लोग समझें कि भाई कौन क्या है, गहराई से सोचें, चश्मा अपने आंख से उतार दें। मोदी का चश्मा उतार के एक बार देखें कि मोदी जी ने क्या किया है 9 साल में, तब उनको सब पता चल जाएगा। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं महंगाई चाहे क्या, कितनी भी महंगाई हो जाए देंगे। महंगाई क्या, भोजन के लिए जब तड़पेंगे जैसे पाकिस्तान तड़प रहा है वैसे ये भी तड़पेंगे, तब इनको पता चलेगा। आज पूरे पूरे देश भर के जो मछुआरे हैं यहाँ आए, देश की सेना है सरकार ने देश के राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी है, उसके विरोध में यहाँ पर ये पूरे देश भर के मछुआरे आए हुए हैं। और हम देश की सेना का सरकार को बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस हमारे बहनों से लड़ेंगे, बहनों से लड़ेंगे, और हम हर हाल में राहुल गांधी जी की हमारे माइग्रेंट वर्कर आगे।